कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसका समाधान बताते हुए उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने बताया कि ये जो लॉकडाउन लगा है इससे देश में आगे अन्न और धन की बहुत कमी हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, आप लोगों को बता दें कि अन्न का जरा भी दुरुपयोग ना हो पाए, वरना अगर अन्न देवता नाराज हो गए तो दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। आप समझो यह लॉकडाउन 144 ये सब बचाने के लिए लगा हुआ है। आप समझो कि इससे आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी, अन्न की भी कमी होगी। अन्न के लिए तो हम ये कहेंगे कि प्रेमियों लोगों को बता दो कि इसका दुरुपयोग न करें। आप ये समझो हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। अगर इसको बेकार किया, देवता अन्य देवता नाराज हुए, तो फिर ये जल्दी मिलने वाले नहीं। अभी तो बैठे हुए दरवाजे पर मिल रहा है, लेकिन जब रहेगा नहीं लोगों के पास, उन्हीं भर को रहेगा तो खुद खाएंगे कि इनको खिलाएंगे। इसलिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दाता तो दान दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। अब राशन बेच करके अगर शराब पिए तो अब आप पे समझ लो कि फिर एक एक दाने के मोहताज बनोगे। इसलिए इस बात को प्रेमियों लोगों को बता दो कि आप उतना ही लो जितना आपको जरूरत है। देने वालों को भी ये चाहिए कि उन्हीं लोगों को दें। सरकारें जो बंटवा रही हैं उनको भी ये चाहिए कि जो उसके पात्र हैं, जिनको वास्तव में जरूरत है, उन्हीं को दिया जाए। सुखान भोजन का पैकेट आप के पास खाने को नहीं है तो ले लो, लेकिन ले करके चार पैकेट और टेस्ट करके सब्जी कौन सी अच्छी है, पूरी कौन सा अच्छा है, अचार किसका अच्छा है, और उस तरह से खाओ बाकी फेंको, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए यह सब बातों को बताना इस समय पर सत्संग में मैं जरूरी समझता हूँ।